सो हेलो गाइस, माय नेम इज रोहन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वी वाइल्ड। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्वेरियम के वाटर साइकिलिंग के बारे में। फ्रेंड्स, आप अगर अपने किसी दोस्त के घर में या फिर किसी शॉप में हो सकते हैं आप गए थे, वहाँ पर आपने हो सकते हैं कभी देखा होगा, वहाँ पर बहुत तरह के एक्वेरियम है, वहाँ पर बहुत फिश रहते हैं, आपको भी दिखने में बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आपने भी सोचा मैं भी एक ऐसा एक्वेरियम रखूँगा अपने घर में, वो भी मेरे घर का रौनक बढ़ाएगा, मुझे भी देखने में अच्छा लगेगा। तो इसी हिसाब से आपने भी हो सकते हैं एक एक्वेरियम लाया। पर इसके बाद क्या होता है, आप जब भी उसके अंदर फिश ऐड किए, मतलब आपने एक्वेरियम लाया उसका उसके साथ फिश भी खरीदा, उसके बाद जब आपने अपने एक्वेरियम में जो फिश जो ऐड किया, देखा हो सकता है एक दिन में ही या फिर एक से दो हफ्ते के अंदर या फिर कुछ कुछ फिश एक महीना तक चल जाता है, उसके बाद वो डेथ हो जाते हैं। इसका मेन क्या कारण है, हर मछली के इस तरीके से मर जाते हैं। देखिए, आप हो सकते हैं आप बहुत लोगों के सामने सुना होगा कि जो गोल्ड फिश होते हैं वो एक से दो महीने से ज़्यादा जीते नहीं है, पर क्या ये सच है? आप कभी गूगल कीजिए, जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड है शायद 46 ईयर का गोल्ड फिश, मतलब इतने साल तक एक गोल्ड फिश जी सकता है। पर अगर आप नॉर्मली किसी को भी पूछे रैंडमली, जिनको हो सकता है ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं हो, बस ऐसे ही शौक के लिए एक एक्वेरियम रखा है, उनको पूछिए, वो बोलेंगे गोल्ड फिश ज़्यादा दिन तक जीते नहीं है, एक दो महीना, हो सकता है हार्डली कभी कभार एक साल जी जाए, वो बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इसलिए ये क्या एक सही मतलब एक सही तरीका है मछली को रखने के लिए, या फिर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम कुछ चीज़ है जो आपको जानना चाहिए, तो वही हम इस वीडियो में बताएंगे। तो देखिए, आप कभी भी अगर एक्वेरियम खरीदे तो जो अगर अच्छे शॉपकीपर होंगे तो वो आपको डायरेक्टली बता देंगे। अगर कुछ जो शॉपकीपर होते हैं जिनको धंधे से मतलब है, आपका जितना मछली मरेगा उसमें उतना ही उसका प्रॉफिट है, क्योंकि जितने बार मछली मरेगा उतनी बार ही आप उनके वहाँ से मछली खरीदेंगे, इसलिए वो ज़्यादातर शॉपकीपर क्या करते हैं ये सब बताते नहीं है। सो सबसे पहली जो बात है, आप अगर अपना कोई एक्वेरियम सेट कर रहे हो, मतलब आपने कोई टैंक खरीदा, तो अब आपको क्या करना है, पहले उस जो टैंक है उसको अच्छी तरीके से साइकिल करना पड़ेगा। मतलब देखिए, आप सैंड स्टोन या फिर डेकोरेशन या फिर जो ग्लास जो भी है, वो कितने दिनों से पता नहीं किधर स्टोर रूम में पड़ा था, आपने वो खरीदा, आप नॉर्मली हो सकते हैं वो जो वाटर होता है उससे आपने क्लीन किया, पर उसका जो केमिकल या फिर उसमें जो बैक्टीरिया है वो क्या अच्छी तरीके से क्लीन हुआ, क्या उसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया है? बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होता है, ये मैंने एक वीडियो बनाया है, ये भी मछली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो मछली जो पूप्स करता है वो होता है एमोनिया, और जो ये एमोनिया होता है ये मछली के लिए बहुत ही मतलब क्या बोलूँ मैं, जहर जैसा होता है, ये मछली को धीरे धीरे मार देता है। इसलिए अगर वाटर पानी में अगर एमोनिया का लेवल ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा, अपने जो मछली होगा उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आएगा और वो धीरे धीरे मर जाएगा। इसलिए इस एमोनिया लेवल को डिक्रीज करने के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ये बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होता है ये एमोनिया को नाइट्रेट और नाइट्राइड में ट्रांसफ़र कर देता है, मतलब ब्रेक डाउन कर देता है। ये जो नाइट्रेट और नाइट्राइड होता है ये मछली को एमोनिया से थोड़ा सा कम इसको हार्म करता है। जो नाइट्रेट और नाइट्राइड होता है ये कभी कभार मछली सह लेता है, पर इस नाइट्रेट और नाइट्राइड को बनने के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया का होना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर किसी नए टैंक में सडनली हो सकता है आज ही खरीद के लिए उसको वॉश करके उसके अंदर अगर जो फिश है उसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, फिश तो वहीं पर ही पूप्स करेगा, या फिर उससे जो ग्लास है या फिर जो आपने डेकोरेशन रखा है उससे क्या होता है, बहुत तरह का केमिकल या फिर वाटर कलर ये फूड जो होता है, मतलब उनमें जो पेंट किया होता है कभी कभार वो निकलना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये सारे जो चीज़ होते हैं ये केमिकल होता है ये फिश के ऊपर डायरेक्टली बहुत ही हार्म करता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका फिश वीक हो जाता है और कभी कभार उनका डेथ भी हो जाता है। इसलिए इस बात को रोकने के लिए एक्वेरियम जो होता है इसको साइकिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। टैंक के हिसाब से इसको साइकिलिंग का टाइम पीरियड बढ़ाया घटाया जाता है। मतलब अगर आप सोचिए, अगर आपने 1 फीट बाई 1 फीट या फिर 1 फीट बाई 2 फीट का अगर इस तरह का मतलब छोटा मतलब 2 से 3 फीट के अंदर का अगर कोई एक्वेरियम आप ले रहे हो तो आप उसको एक हफ्ते से 2 हफ्ते तक इसको साइकिल कीजिए। अगर उससे बड़ा है तो उसका साइकिलिंग पीरियड भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब साइकिलिंग में होता क्या है, देखिए जो एक्वेरियम होता है आपने उनको अच्छी तरीके से लाया, उसको अच्छी तरीके से डेकोरेट किया, मतलब आपको जो भी जो लगाना है, मतलब आपको हो सकता है किसी को प्लांट लगाना हो, किसी को उसमें डेकोरेशन चाहिए, इस तरीके से जो भी चीज़ है आपको, मतलब जितना भी चीज़ है उसको मेरे अंदर ऐड करना है फिश के बदले, उन सब की आप पहले ऐड कर लीजिए। उसके बाद क्या है, उसके अंदर अच्छी तरीके से पानी को फिल कीजिए और उसके अंदर आप हो सके तो कुछ बेनिफिशियल जो बैक्टीरिया होते हैं उस तरह के कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, उस तरह के कुछ बैक्टीरिया आप खरीद सकते हैं या फिर आप उसको नॉर्मल भी छोड़ सकते हैं। देखिए, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया इनको ग्रो करने के लिए दो लोग एक और भी काम करते हैं, कुछ तरीके से छोटे फिशेस होते हैं, मतलब जिनमें जो क्या होता है वो इजीली मतलब किसी भी वेदर में या फिर किसी भी वाटर कंडीशन में वो लोग इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे फिश है मॉली, गप्पी, प्लेटी,
इससे कैसे छोटे छोटे फिश हैं, इनका प्राइस भी ज़्यादा नहीं होता और इजीली किसी भी पानी में सर्वाइव कर जाता है। तो इस तरीके से कुछ मछली है, आप पहले मतलब आपका जो मेन टैंक है उसमें कुछ क्वांटिटी में हो सकते हैं 5-6 इस तरीके से छोड़ सकते हैं। इससे क्या होता है, ये लोग जब अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे, वो अमोनिया धीरे धीरे जो बैक्टीरिया हो गया वो धीरे धीरे अमोनिया को खा के उसको ब्रेक डाउन करके नाइट्रेट और नाइट्राइड में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो इस तरीके से जितनी जल्दी उनको अमोनिया खाने को मिलेगा और उस तरीके से वो धीरे धीरे कॉलोनाइज होते जाएंगे। ये जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत जगह पर रहते हैं, पानी में रहता है, आप जिस डेकोरेशन कर रहे हो सकते हैं किसी स्टोन या फिर किसी वुड या फिर किसी प्लास्टिक प्लांट, उसमें अगर थोड़ा सा भी पोर्स रहे मतलब छोटे छोटे गड्ढे इस तरीके से कुछ डिज़ाइन या फिर पैटर्न रहे तो उसके अंदर भी ये लोग कॉलोनी बना लेते हैं। आप देखे होंगे जो हैंग ऑन बैक फिल्टर, कैनिस्टर फिल्टर जो होता है उसके अंदर बायोबॉल, सिरेमिक रिंग, ये सब जो मिलता है ना इसके अंदर ही मेनली जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो कॉलोनी बनाते हैं। जितना ज़्यादा बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहेगा आपका जो फिश है वो उतना ज़्यादा हेल्दी और हैप्पी रहेगा, क्योंकि उनको अमोनिया से लड़ने के लिए ज़्यादा कुछ मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ये एक सबसे जरूरी चीज़ है। और दूसरी बात, इसके साथ ही आपको एक फिल्टर भी ऐड कर देना है। फिल्टर ऑब्वियसली चाहिए क्योंकि जितना भी नाइट्रेट और नाइट्राइड रहता है ये तो पूरी की पूरे जो एक्वेरियम है उसमें अगर रह जाएंगे तब भी मछली को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इस नाइट्रेट और नाइट्राइड को भी निकालने के लिए फिल्टर लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है इनका मेन जो घर होता है वो आप फिल्टर ही समझ सकते हो, क्योंकि फिल्टर के अंदर नॉर्मल फिल्टर में भी स्पॉन्ज रहता है जिसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से ही जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो कॉलोनाइज होते हैं। या फिर आप थोड़े से अगर महंगे अगर फिल्टर में जाएंगे तो उसमें तो बहुत सारे चेंबर होते हैं, उधर आप बहुत तरीके से बायोलॉजिकल मीडिया रख सकते हो जैसे बायो रिंग्स, बायो बॉल एक्सेट्रा। इनमें भी जो स्पॉन्ज से मुकाबले ज़्यादा तरीके से इनमें जो होता है तो जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो कॉलोनाइज होते हैं, इसलिए इनका भी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप जो वाटर फिल्टर है, उस वाटर पम्प, अगर जो ऑक्सीजन पम्प जिसको आप बोलते हैं वो सब, एयर पम्प, सब कुछ अगर अपने एक्वेरियम में लगा दिया, इसके बाद इसी तरीके से इसको एक हफ्ते तक छोड़ दीजिए। मतलब कोई भी फीस ऐड करने की, मतलब जो आप फीस लेना चाहते हो वो सब ज़रूरत नहीं। हाँ, हो सकता है आप एक दो मौली का फीस छोड़ सकते हो उसमें जो बैक्टीरिया उनको कॉलोनाइज होने के लिए। तो इस तरीके से कम एक हफ्ते के लिए या फिर दो हफ्ते जितना आप रख सकते हो उस हिसाब से उसको अच्छी तरीके से छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा, अब जिस टैंक के अंदर अपने फिश को रख रहे हो उस टैंक में जितना भी केमिकल होगा वो धीरे धीरे रिड्यूस होने शुरू हो जाएगा, मतलब वो निकलने शुरू हो जाएगा। और अगर किसी भी तरीके डेकोरेशन में या फिर ग्लास में या फिर ग्लू में कोई भी ख़राब तरीके का अगर कोई भी केमिकल रहेगा तो वो उस पानी में डिजॉल्व हो जाएगा। और इसमें इसके साथ ही जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है वो भी धीरे धीरे जितने भी आपका डेकोरेशन चीज़ है, मतलब स्टोन हो सकता है, फिल्टर हो सकता है, इस तरीके से जो भी पोरस वाला एरिया होगा उसमें कॉलोनाइज हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जिस दिन आप फिश लाएंगे उस दिन आप थोड़ा सा पानी, मतलब हो सकता है 50% पानी उसका निकाल के उसके बाद उसके अंदर नया पानी जो आपका एकदम क्लोरीन रहित हो, मतलब जिसमें क्लोरीन नहीं रहे क्योंकि क्लोरीन मछली को बहुत प्रॉब्लम करता है, इसलिए क्लोरीन रहित इस तरीके से फ्रेश वाटर आप उसके अंदर 50% ऐड कीजिए। उसके बाद उस 50% ऐड करने के बाद कुछ घंटे के बाद उसका जो टेम्परेचर, मतलब वाटर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है और आप जो फिश ला रहे हो उसका टेम्परेचर को परफेक्टली मैच करके, मतलब हो सकता है आप उसके जो जो जिस पॉलीथीन में आप अपने फिश को ला रहे हो उसको ही पूरा एकदम पूरी तरीके से जो एक्वेरियम उसके ऊपर फ्लोट करा सकते हो, इससे क्या होगा उसका टेम्परेचर मैच हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके जो एक्वेरियम का वाटर है उसको अपने जो कैरी बैग में जो फिश है उसके साथ थोड़ा थोड़ा अटैच करने की कोशिश कीजिए, मतलब थोड़ा थोड़ा पानी उसके अंदर पुट कीजिए। इससे क्या होगा आपका जो वाटर का पैरामीटर है और जो फिश के जो जिस दुकान से या फिर जिस शॉप से आपने लाया है उसका पैरामीटर धीरे धीरे सेम होने लगेगा। इससे क्या होगा फिश को सडनली कोई शॉक नहीं लगेगा, मतलब आप हो सकता है बहुत टाइम क्या होता है आपका जो पानी का वो पीएच थोड़ा सा ज़्यादा है शॉप का थोड़ा सा कम, या फिर आपका पानी थोड़ा सा ठंडा है शॉप का थोड़ा सा गर्म, इस तरह का कभी कभार टेम्परेचर या फिर वाटर पैरामीटर का प्रॉब्लम रहता है। इससे क्या होता है सडनली जब आप एक पानी से दूसरे पानी में अपने फिश को ऐड कर रहे हो क्या होता है सडनली फिश मर जाता है कुछ समय के बाद ही। तो इसके लिए ही धीरे धीरे से उनको एब्जॉर्ब होने दीजिए आपके जो वाटर पैरामीटर है उसके साथ। इसके बाद क्या होता है अब जब अच्छी तरीके से आपने ये सारे के सारे स्टेप फॉलो कर लिया इसके बाद आप अच्छी तरीके से उस फिश को, ओनली उस फिश को, उस दुकान का पानी को बिल्कुल नहीं क्योंकि उसमें बहुत गंदा रहता है, मतलब गंदगी रहती है, इसलिए ओनली उस फिश को आप उठा के उसके बाद अपने जो टैंक है उस टैंक के अंदर छोड़ दीजिए। इस तरीके से अगर आप अपने फिश की हॉबी को शुरू करेंगे तो देखना आपका जो फिश हॉबी है वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा और आपका जो गोल्ड फिश वो कभी भी एक दो हफ्ते के अंदर नहीं, वो बहुत साल तक जिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, एक बार ऐसा किया तो नहीं, हर हफ्ते आपको मिनिमम 20-30% वाटर चेंज रेगुलर करना चाहिए। हर हफ्ते किसी भी एक टाइम निकाल के आप एक्वेरियम को क्लीन कीजिए,
20-30% उसका वाटर चेंज कीजिए, उसके बाद नए वाटर उसके अंदर ऐड कीजिए। इसी तरीके से अगर कंटिन्यू करेंगे तो देखना आपका जो हॉबी है वो इतना जल्दी ख़त्म नहीं होगा, वो बहुत ही अच्छा चलेगा और आपका जो फिश है वो भी बहुत ही एक्टिव और हेल्दी दिखेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर किसी नए टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर। तो मिलते हैं एक नए दिन नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।